माता, हमने आपके पुत्र को प्रत्येक स्थान पर ढूंढा, किंतु वो कहीं नहीं दिखे। ये प्रथम अवसर तो नहीं है जब वो कहीं चला गया है। उसे उचित प्रकार से हम सब मिलकर ढूंढ ही लेते हैं। नंदी, शीघ्रता करो, वैकुंठ जाओ, कोई ब्रह्मलोक में जाकर देखो, संभव है वहीं गया हो। जी माता। कहाँ है तुम्हारे प्राण और कितने पर्वत खंडित करने पड़ेंगे? एक एक पर्वत को ध्वंस करने में बहुत समय निकल जाएगा। हमें ये सभी एक ही बार में ध्वस्त करने होंगे, क्योंकि भोर होने पर तो पिताश्री मेरे प्राण अपने समीप बुला लेते हैं, और यदि वैसा हो गया तो मेरे प्राण हरने के लिए क्या करेंगे आप? महादेव से कैसे लेंगे उन्हें? उचित कहा ना? नहीं नहीं, यदि तुम्हारे प्राण लेने में उनके समक्ष पहुंच भी गया तो कहीं वो अपना तीसरा नेत्र खोलकर मेरे ही प्राण ना ले लें। तुम्हारा सुझाव उचित है, एक ही बार में सब नष्ट भ्रष्ट कर दूंगा, अपने हाथों से लूंगा तुम्हारे प्राण। ये क्या हो रहा है वहां? उन पर्वतों से इतना धूम्र कैसे उठ रहा है? कहीं ये माता पार्वती के नंदन की कोई क्रीड़ा तो नहीं? नहीं नहीं, यदि वो वहां है तो अवश्य किसी संकट में है। जो भी है, मुझे माता पार्वती को बताना होगा। इतने पर्वत समतल कर दिए मैंने, स्वयं भी आहत हुआ हूं, किंतु इसके प्राण मेरे हाथ नहीं आए। सभी पर्वत धूल में मिला दिए मैंने, फिर भी तुम्हारे प्राण नहीं मिले मुझे। दुष्ट बालक, सत्य कहो, कहाँ है तुम्हारे प्राण? अन्यथा क्या? तुम मेरे प्राण हर लोगे? कितनी बार कहोगे ये? अच्छा एक बात तो बताओ, इतनी बार हर लूंगा बोलते हो, एक बार भी हर हर महादेव या मेरे मामा जी श्री हर ई की महिमा में क्यों कुछ नहीं बोलते? संभव है तुमको वो प्राप्त हो जाए जिसकी तुम्हारे जीवन को आवश्यकता है। टक 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 टक, शुभता का कंटक, वज्रांतक को बस तुम्हारे प्राण हरने की आवश्यकता है। तुम्हारा ध्यान तो मेरे प्राण में ही अटका हुआ है, अवश्य ले लेना मेरे प्राण, किंतु ये तो बताओ प्राण होता क्या है, उसका क्या महत्व है, और मेरे प्राण से तुम्हें क्या लाभ होगा? इतना भी नहीं जानते बालक कि प्राण से ही जीवन है? मैं तुम्हारे प्राण हर कर तुम्हें तुम्हारे जीवन से वंचित कर दूंगा। ओह, आप समझ आया मुझसे कहां भूल हुई? भूल? कैसी भूल? शीघ्र बताओ। देखो ना, बालक बुद्धि से इतना भी नहीं सोच सका मैं कि मेरा जीवन तो मेरे माता पिता से ही है, इसलिए मेरे प्राण भी वही होंगे जहाँ वो हैं। तो अवश्य पिताश्री ने मेरे प्राण अपने निवास कैलाश पर्वत में ही छुपाए होंगे। आप तो मुझे वहीं ले चलिए, मैं वहाँ पहुँचकर आपको अपने प्राण दे दूंगा। कैलाश पर्वत, महादेव का निवास स्थान, वहाँ जाना तो मेरे लिए संकट उत्पन्न कर सकता है। कहीं ये बालक मुझे पुनः मूर्ख तो नहीं बना रहा? ये बालक तो मुझसे परिहास कर रहा है। प्राण ढूंढने में इसकी कोई योजना नहीं दिख रही मुझे। अरे अरे, कैलाश तो वहाँ पीछे है, अब कहाँ लिए जा रहे हो मुझे? अरे वो क्या था? क्या हुआ माँ, आपने कुछ देखा क्या? हाँ पुत्री, संभव है कि वो वहाँ है। मैंने वहाँ कुछ
हिलते हुए देखा, हमें वहां देखना चाहिए। अरे अरे, ये हम किस दिशा में जा रहे हैं? पीछे मुड़ो। अरे कहाँ जा रहे हो तुम? रुको। बहुत दुष्ट है ये बालक, टक टका टक टक बार बार अपनी बातों के जाल में उलझा कर भटका देता है मुझे, किंतु इस बार इसकी बातों में नहीं आऊंगा मैं। नीचे उतरो दुष्ट बालक। अरे तुम क्या कर रहे हो? शुभता के कंटक वज्रांतक के साथ घृणा करना चाहते हो ना तुम? तो आओ, अब करो क्रीड़ा। अब वज्रांतक तुम्हें अपनी क्रीड़ा से परिचित कराएगा। अभी ज्ञात हो जाएगा कहां है तुम्हारे प्राण। मुझे इससे बचने के लिए कुछ और करना होगा, अन्यथा ये वास्तव में मेरी प्राण हर लेगा। अरे ये बालक कहाँ गया? दोष, तुम वहाँ हो? हाँ, मैं तो यही हूँ। देखो, तुम्हारी क्रीड़ा बड़ी आनंददायक थी, किंतु विजयी तो मैं ही हुआ, उछलकर ऊपर जो आ गया। चलो, अब क्रीड़ा से तुम्हारा मन भर गया हो तो अब चले कैलाश। कैलाश नहीं ले जाऊंगा तुम्हें, आज सर्वनाश करूंगा तुम्हारा। ओ, प्रतीत होता है अभी तुम और क्रीड़ा के इच्छुक हो। कोई बात नहीं, मुझे तो उसमें और आनंद आएगा। क्रीड़ा नहीं बालक, अब पीड़ा सहने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हें मृत्यु प्रदान किए बिना मैं रुकने वाला नहीं हूँ। सुन जी। अरे ये क्या, ये वायु का झोंका, इससे तो मेरे नेत्र बंद हो रहे हैं, दृष्टि बाधित हो गई मेरी। किंतु कुछ भी हो जाए, आज नहीं जाने दूंगा इस दुष्ट को, उड़ाकर अंत करूंगा इसका। बहुत अच्छे सुनजी। ये कैसी भयानक ध्वनि? मेरा पुत्र सुरक्षित तो है ना? मेरे को आशंकाओं से विचलित हो रही हूँ मैं। अपने पुत्र को पुनः नहीं खो सकती मैं। बहुत हुआ तुम्हारा छलावा।
अब मैं अत्यंत ही सावधान रहकर तुम्हें पकड़ कर मसल कर रख दूंगा। ये सर तो खंड खंड हो रहा है, इसे तो पूर्ण रूप से खंडित कर सकता हूँ मैं। अब तुम नहीं बचोगे बालक। सुन जी, हम मिलकर कुछ करें। ये चिल्लाए तो इसने मेरी ओर ही फेंक दी। कितना आनंद आया ना सुन जी। टक टक, कैसा है ये बालक, इसने तो मुझे भी चका दिया। हिलने में भी भय लग रहा है मुझे। हिलने से भी डर लग रहा है मुझे, यदि थोड़ा सा भी हिला तो खंडित होकर बिखर जाऊंगा। क्या हुआ असुर जी, मेरे प्राण नहीं हरेंगे क्या, उड़ेंगे भी नहीं क्या? प्रतीत होता है अब तो आपके ही प्राण पखेरु उड़ने वाले हैं। सुन जी, विशाल शिला तो मेरी ओर ही आ रही है। ये शिलाएं कहां से गिर रही है? क्या कर रहे हैं? क्या हुआ था तुम्हें? तुम यहां कैसे पहुंच गए? मैं कुछ नहीं बोलूंगी पुत्री, किंतु उचित है चुप रहूंगी मैं कुछ नहीं बोलूंगी। चलो पुत्र, कैलाश वापस चल। बस पुत्र, अब बहुत हुआ, अब कुछ नहीं सुनूंगी मैं। शांतिपूर्वक सो जाओ, अन्यथा मैं दंडित भी कर सकती हूँ तुम्हें। कल का दिवस अत्यंत महत्वपूर्ण और मुझे अनेक कार्य भी करने हैं। कल क्यों माँ, ऐसा क्या होने वाला है? कल तुम्हारी छठी और नामकरण संस्कार की तिथि है। इतना कार्य, इतने प्रबंध, इतनी सारी व्यवस्था करनी है मुझे। मेरा नामकरण माँ? हाँ पुत्र, कल तुम्हें तुम्हारा शुभ नाम प्राप्त होगा। अब सो जाओ, विश्राम करो पुत्र। हाँ माँ। आप सभी को प्रणाम। आप सब अभी भी यहाँ हैं? आप सभी को तो विश्राम करना चाहिए था, कल भोर में हमें यात्रा जो करनी है।
यात्रा? कैसी यात्रा सची? कहाँ जाना है हमें? आप भूल गए स्वामी, कल पार्वती नंदन की छठी और उनके नामकरण के उत्सव का आयोजन है, हमारा जाना आवश्यक है। देवी पार्वती के पुत्र की नामकरण की तिथि है, तो आप क्या चाहती हैं? हम समस्त देवता अपने कार्यों को छोड़कर उस गजमुख के नामकरण में पहुंच जाएं? नामकरण है तो होता रहे, देवराज जेंद्र वहां नहीं जाएगा। ये स्वामी क्या कह रहे हैं? क्षमा करें देवराज, यदि कल के उत्सव में हम देवताओं ने भाग नहीं लिया तो महादेव कहीं हमसे रुष्ट ना हो जाए। स्वामी, देवादि देव महादेव और आदिशक्ति माता पार्वती को पुत्र की प्राप्ति हुई है, उनके साथ हमारे लिए भी ये आनंद का कारण है। महादेव और माता पार्वती के आनंद में हमें भी सम्मिलित होना चाहिए, अन्यथा महादेव रुष्ट हो जाएंगे। अगर मैं नहीं गया तो रुष्ट हो जाएंगे महादेव। वो गजमुख भोलेनाथ और माता पार्वती का पुत्र है, और यही मेरी विवशता भी, इसलिए मुझे उस गजमुख के नामकरण में जाना ही होगा। इस आनंद उत्सव में भाग लेने को स्वामी अपनी विवशता क्यों बता रहे हैं? देवराज को क्या हुआ है? वो महादेव और माता पार्वती के आमंत्रण को अस्वीकार करने का विचार भी कैसे कर सकते हैं? महादेव के आमंत्रण को अपनी विवशता बताना तो विपत्ति को आमंत्रित करने के समान है। विवशता का आभास हो रहा है देवराज को कैलाश जाने में, कहीं ये किसी आगामी संकट की पूर्व सूचना तो नहीं? अंत होगा उस बालक का, निश्चिंत होऊंगा मैं, और मेरे प्रभाव से सर्वत्र अंधकार का होगा विस्तार। क्या समाचार लाए हो? वज्रांतक सफल हुआ ना? समाचार शुभ नहीं है। सुप्ता के कंटक वज्रांतक का अंत कर दिया उस दुष्ट बालक ने। बनेगा मेरे जीवन का, स्वयं कैलाश जाऊंगा मैं और मसल के रख दूंगा उस बालक को, अंत कर दूंगा उसका। वज्रांतक का वध करने वाले महादेव के पुत्र कौन? मेरी ढाल है ये, मेरा मायावी कवच सभी संकटों से मेरी रक्षा करेगा।
शक्तिशाली है, मायावी है सिंदूरा, किंतु इसकी मूर्खता इस मृत्यु के अंधे कुएं में ढकेलने जा रही है। कितने भी कवच धारण कर लो, कैसे भी खड़ग उठा लो, किंतु ब्रह्मदेव के वचन नहीं झुटलाए जा सकते। उनके शाप के अनुसार वो बालक अवश्य इसका अंत करेगा। अच्छा ही है, वहां ये अपने प्राणों से मुक्त होगा और यहाँ मुक्ति मुझे मिलेगी इसके आतंक से। हाँ, ये रुक क्यों गया? कहीं अपनी मायावी शक्ति से इसने मेरे मन में उत्पन्न विचार तो नहीं जान लिए? For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.